नमस्कार, मेरा नाम मधु जॉनसन है और मैं सीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब में डायलिसिस यूनिट में नर्सिंग इंचार्ज के तौर पे काम कर रही हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि डायलिसिस यूनिट एक स्पेशल यूनिट है और इस पेंडेमिक सिचुएशन में जबकि हमें पेशेंट्स की रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है अच्छे से और पेशेंट की मिक्सिंग नहीं करनी है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो रेगुलर पेशेंट्स हैं और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको अलग अलग डायलाइज कर रहे हैं। और हमारे पास दो सेपरेट एरिया हैं हमारे रेगुलर पेशेंट्स के लिए, जिसमें कि नेगेटिव पेशेंट्स हम अलग डायलाइज करते हैं और जो पॉजिटिव पेशेंट हैं, जो SCV, HIV या HBsAg पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनको हम अलग डायलाइज करते हैं। और SCV पेशेंट्स के लिए हमारे पास एक सेपरेट मशीन है। और फॉर कोविड पेशेंट वी हैव टू सेपरेट एरियाज। एक एरिया में हम जो स्टेबल पेशेंट हैं उनको डायलाइज करते हैं और जो दूसरा एरिया हमें है उनमें हम उन पेशेंट्स को डायलाइज करते हैं जिनको मॉनिटरिंग या वेंटिलेटर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और मैं खुदा का बहुत धन्यवादी हूँ कि खुदा ने इस टाइम पे हमें ये सेवाएं प्रदान करी हैं कि हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने HOD डॉक्टर तिमथी का, अपने सारे स्टाफ का, टेक्नीशियंस का, हेल्पर्स का, अपना बेस्ट दे रहे हैं पेशेंट्स केयर के लिए। और मैं खास करके धन्यवाद करती हूँ हमारे जो एक स्पेशल स्टाफ हैं, डायलिसिस स्टाफ हैं। इस टाइम पे जब लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं लॉकडाउन की वजह से, इसमें भी उन्होंने अपनी एक महीने की पूरी सैलरी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए डोनेट करी है। और मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का, अपनी फैकल्टी का, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोगों का, और गॉड ब्लेस स्टाफ बबली और भी जितने भी स्टाफ हैं। थैंक यू।